नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम के हमले पर मायावती का पलटवार, कहा मोदी अब फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जानकारी में बताया कि मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत बनाने के लिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी चुनाव हार रही है। मायावती ने पीएम के उस वार पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने बहन जी को धोखा दिया है। मायावती ने कहा, कल पीएम मोदी ने कहा कि एसपी ने बीएसपी को अंधेरे में रखा, मोदी ने गठबंधन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब हथकंडों के बाद भी जब हमारा गठबंधन मजबूती से डटा रहा तो मोदी अब फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी के गठबंधन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर गठबंधन आपस में नहीं लड़ेगा। हमारा गठबंधन बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बना है। हमारे गठबंधन को जनता का समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव की विवादित बयान, कहा योगी ने पीएम मोदी को भी चिल्लम पीना सिखा दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिल्लम पिलाने वाला बयान दिया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिल्लम पीने वाला बताया है। जानकारी के अनुसार पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को चिल्लम पीना सिखा दिया है, इसी वजह से वो बक्की बक्की बातें कर रहे हैं। जो लोग हमें टोटी टोटी कर रहे हैं वही लोग चिल्लम वाले हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा था, प्रदेश में कुछ लोग टोटी लेकर चले जाते हैं तो कुछ मूर्तियां बनवाते हैं। प्रतापगढ़ के GIC ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ रेप केस में जारी हुआ गैर जमानती मऊ जिले की घोषी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय के खिलाफ रेप केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए CO भेलपुरी के नेतृत्व में थानेदार की टीम गाजीपुर और मऊ जिले में छापेमारी कर रही है। यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप में कोर्ट ने अतुल के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। अतुल राय मऊ सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा की तहरीर पर दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा होने के बाद यह वारंट जारी किया गया है। पुलिस अतुल के करीबियों पर भी शिकंजा कसने को तैयार है। पुलिस अतुल की तलाश में जुटी है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अतुल राय के खिलाफ 1 मई को लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 420, 376, 504, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।